दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं धनु राशि फल 2020 का क्या कहता है आपके बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं प्रेम राशि फल का। धनु प्रेम राशि फल कहता है कि प्रेम के मामले में साल 2020 आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि शुरुआती महीनों में थोड़ी परेशानियां रह सकती हैं। राहु का सातवें स्थान में होना थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। ऐसे में आपका साथी के साथ मतभेद हो सकता है, जिसके चलते आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे राहु के प्रभाव में कमी आने लगेगी, जिससे आपके जीवन साथी के साथ मधुरता आएगी संबंधों में, दूरियां कम होंगी और प्यार की फरारी रफ्तार पकड़ेगी। दाम्पत्य जीवन के स्वामी ग्रह बुध ग्रह जीवन सुखमय बनाएंगे, साथ ही प्यार परवान चढ़ेगा। राहु का स्थान सप्तम आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है, यह आप दोनों के बीच मतभेद पैदा कर सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ प्रेम और विश्वास के रिश्ते को बनाए रखें। जो प्रेमी प्रेमिकाओं का अभी अभी नया रिश्ता जुड़ा है, उनके लिए राहु का सप्तम में आना उनके रिश्तों में अलगाव का कारण बन सकता है। अपने साथी पर विश्वास बनाए रखें, उचित समय दें। जनवरी के चौथे सप्ताह में यानी कि 24 जनवरी को आपको लाभ होगा। रिश्तों में आई कड़वाहट समाप्त होगी, आप दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका प्यार और भी मजबूत होगा। मई महीने में शनि वक्री होंगे, जिसका असर आपके प्रेम पर भी पड़ेगा। इस समय आपके बीच थोड़ा तनाव आ सकता है। 14 मई को गुरु वक्री हो रहे हैं, इससे आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, आपके रिश्तों में सुधार होगा। जून महीने के आखिरी दिनों में गुरु वक्री अवस्था में ही धनु राशि में आएंगे, जिससे पिछले समय से अधूरी चल रही कोई भी कार्य, आपकी जो कार्य प्रणाली है वो पूरी हो जाएगी। ये सभी कार्य आपके प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सितंबर महीने के मध्य में गुरु मार्गी होंगे, जिसकी वजह से आप अपने प्रेम के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाने पर समय देंगे। 20 नवंबर को गुरु आ जाएंगे, कुल मिलाकर ये साल प्रेम प्रसंग के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए भाग्यशाली टोटके के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।